तो हवे नजर करी तमाम मोटा ने महत्वपूर्ण समाचार समाचार सुपरफास्ट में। मोरबी में झूलता पुल दुर्घटना मामले जयसुख पटेल 7 दिवस रिमांड मंजूर। मोरबी कोर्टे जयसुख रिमांड कर मंजूर। पुलिस जयसुख पटेल 14 रिमांड की मांग की। जुनियर क्लार्क पेपर लीक मामले वधु एक आरोपी की धरपकड़। ओडिशा रहवासी सरोज नामनो शख्स पुलिस सकंजा में अत्यार सुधी में कुल 17 लोगों की कराई धरपकड़। गांधीनगर में कोस्टगार्डे 47वां स्थापना दिवस की उजवणी करी। उजवणी कार्यक्रम में गुजरात राज्यपाल मुख्यमंत्री और गृह राज्यमंत्री रहा उपस्थित। 1978 में मात्र 7 बोट थी थई हती कोस्टगार्ड की शुरुआत। हाल में इंडियन कोस्टगार्ड पास 150 जहाजों और 70 विमानों कोस्टगार्ड ने 1380 करोड़ मादक द्रव्यों पकड़वामां मळी छे सफलता। अत्यार सुधी में 38 विदेशी नागरिकों की कराई धरपकड़। डीसा पालनपुर हाईवे पर हिट एंड रन की घटना राहदारी ने कचड़ी। ट्रक चालक फरार। पुलिस घटनास्थले पहुंची वधु तपास हाथ धरी। पेपर फोड़नार विरुद्ध कड़क कायदो लावशे सरकार। विधानसभा आगामी सत्र में बिल लावानी सरकार की जाहरात। आईएएस अधिकारी सोनल मिश्रा ने दिल्ली केन्द्र में डेप्युटेशन पर जैसे। सोनल मिश्रा ने केन्द्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी तरीके की अपाई जवाबदारी। महीसागर में बालासिनोर पालिका एक्शन में आई। नगरपालिका वीज जोड़ाण कपाता तंत्र एक्शन में। बालासिनोर में केटलीक दुकानों ने सील मारवामां आव्युं। कड़ी में एक ज परिवार बे व्यक्तिओं अकस्मात मौत मामले चौंकावनारो खुलासो। धंधा में भाग छूटो कर देवाना मनदुख में कराई थी हत्या। साथ धंधो करता योगेश पटेल की पुलिस करी धरपकड़। एमसी ड्राफ्ट बजेट में टैक्स वधारे ने लईने विपक्षे मेयर ने आप्यु आवेदन। कमिश्नर द्वारा ड्राफ्ट बजेट में बमणो वधारो झीकाता आवेदन आपीने कर्यो विरोध। टैक्स पर थयेलो बमणो वधारो पाछो खेंचवा करी मांग। महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम नो अमदावाद एरपोर्ट पर करायु स्वागत। टी20 वर्ल्ड कप में भव्य जीत मेळवता करायु भव्य स्वागत। अमदावाद स्टेडियम में बीसीसीआई द्वारा टीम ने अपायो 5 करोड़ चेक। अमदावाद में प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंध नो मामलो। मेडिकल में प्लास्टिक बेग प्रतिबंध लगावता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन नो विरोध। एसोसिएशन सभ्यों प्लास्टिक ना मेन्युफेक्चर बंद करने की करी बात। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में मिली राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक। मावठू और टेकाना भाव माटे रजिस्ट्रेशन अंगे कराई चर्चा। गैरकायदेसर कतलखाना बंद करावा हाईकोर्ट नो आदेश। राज्य सरकारे हाईकोर्ट में रिपोर्ट रजू कर्यो। सरकार ना रिपोर्ट पर हाईकोर्टे नाराजगी व्यक्त करी। सरकार ना प्रवक्ता ऋषिकेश पटेले कह्यु लायसेंस विना चालती 3200 वधु मीट शॉप पर कराई कार्यवाही। अत्यार सुधी में 1247 दुकाने सील कराई। राज्य में 4300 वधारे मीट दुकानों सर्वे करायो। विधानसभा में कांग्रेस ने नहीं मळे विपक्ष नेता पद। विधानसभा में पार्किंग दृश्य पर स्पष्ट थयु। अगाउ विधानसभा परिसर में विपक्ष नेता की गाड़ी माटे हती अनामत पार्किंग जगह। अंबाजी सेबल पाणी प्राथमिक सारवार केन्द्र की लाइट कपाई। मार्च 2022 थी बिल बाकी रहता कपाई लाइट। अत्यार सुधीनु 18,000 नु बिल भरवानु बाकी। वीजळीना अभावे दर्दीओ थया परेशान। भावनगर में सरकारी आवास में भाड़े रहता लोगों पर कराई कार्यवाही। आवास योजना ना मकान भाड़े आपी दुकान कमाता मकान मालिक सामे पण कार्यवाही कराई। कॉर्पोरेशन ने मकान ने सील करवानी कार्यवाही करी। कॉर्पोरेशन ने अगाउ 271 भाड़ूतों ने मकान खाली करवा नोटिस आपी हती। आ मुद्दे कॉर्पोरेशन की सभा में विपक्ष कर्यो होबाड़ो। मकान खाली न करता मकान ने सील कराई। पाटणना राधनपुर में छेल्ला 15 दिवस लोगों ने पीवाना पानी की समस्या। स्थानिकोए पानी पुरवठा ऑफिसे नोंधाव्यो विरोध। स्थानिकोए पानी आपवानी मांग करी। राधनपुर में पानी समस्या मामले धारासभ्य द्वारा अधिकारी साथे बैठक योजी। बैठक बाद धारासभ्य लविनजी कह्यू पानी की समस्या निवारण आवशे अने टूंक समय में पानी मळशे। छोटाउदेपुर की अत्रोली शाला अनियमित शिक्षक ने कराया सस्पेंड। शिक्षक विना 3 दिवस शाला बंद रहता शिक्षण विभागे करी कार्यवाही। शिक्षण विभागे अन्य शिक्षक ने करी व्यवस्था। गीर सोमनाथ कोरडीना नजीक आवेला पेढ़ावाड़ा गामना मंदिर में चोरी थी। मोड़ी रात्रे रगतिया बापा मंदिर में 2 चोरो दानपेटी उपाड़ी फरार। चोरी की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद।
पवन कारण द्वारका में ओखा और बेट द्वारका वच्चे चालती बोट सेवा बंद कराई। यात्रिकों की सलामती अर्थे जीएमबीए लीधो निर्णय। वातावरण सामान्य थता फेरी शुरू कराशे। फेरी बोट की सेवा भावनगर हजीरा घोघा आवी रहेलू जहाज मध्यदरिये बंद पड़ू। जहाज मध्यदरिये बंद पड़ता मुसाफरो में भारी रोष। बंद पड़ेला जहाज ने टोइंग करीने घोघा लावामां आव्यो। द्वारकाना सलाया में ओरीना केस वधता तंत्र एलर्ट। आरोग्य विभाग की 15 जेटली टीमें डोर टू डोर सर्वे कर्यो। ओरीना केसों वधता रसीकरण झड़पी करायो। मेहसाणाना लांगणज में वीज करंट युवानुं मौत। खेतर में पाणी वाड़वा जता समय लाग्यो करंट। युवानुं मौत थता परिवार में शोकनो माहोल। लींबूना उत्पादन में प्रथम क्रमे आव्यु मेहसाणा। राज्यना 30% लींबूनुं मेहसाणाथी थाय छे उत्पादन। 13,500 हेक्टर में 1.90 लाख मेट्रिक टन उत्पादन। अरवली में कैप्सिकम मरचानुं वावेतर करता खेडूतो मुश्किली में मुकाया। पाक में वायरसना कारणे उत्पादन पर थई असर। मात्र 35% पाक उतरता मुश्किली में मुकाया खेडूतो। भरूच स्थित नवसारी कृषि विद्यालय में गंठ गोभी करायु वावेतर। ओछा खर्चे वधु उत्पादन और पाक में जीवातनुं प्रमाण ओछू होवाथी खेडूतोने फायदो। पाक ने तैयार थता लागे छे 55 થી 60 દિવસ। गोंडल यार्ड में गोंडलिया मरचा की आवक 20 કિલોના 3500 થી 4000 सुधीना भाव मळता खेडूतो खुश। हाल रेशम पट्टो और देशी मरचा की यार्ड में आवक। सूरत में एलपीजी गैस सिलेंडर में थयो ब्लास्ट। ब्लास्ट थी 4 लोग गंभीर रीते इजाग्रस्त। गैरकायदेसर गैस बॉटल नू रिफलिंग चालतो होवाथी शंका। इजाग्रस्त लोगों ने सारवार माटे हॉस्पिटल खसेड़ाया। मेहसाणाना विजापुर एपीएमसी में चूंटणीनो मामलो। हाईकोर्टे पीआई पटेल जूथ की खरीद वेचाण विभाग की 3 मंडळीओ रद्द करने अरजी ने फगावी। अमदावाद में कोर्पोरेशन नौकर मंडल नो विविध मांगणीओ ने लईने विरोध। मकान नौकरी पगार और बढ़ती मुद्दाओं ने लईने नोंधाव्यो विरोध। 14 दिवस में निराकरण नहीं आवे तो अचोक्कस मुद्दत की हड़ताल की चीमकी। वडोदरा में एबीवीपी द्वारा छात्र सम्मेलन करायु आयोजन। एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीना हाजर रहा। पेपर लीक और एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़वा मामले आप निवेदन। क्षत्रिय समाज अग्रणी महिपतसिंह जाडेजा निधन। अगाउ गोंडल थी अपक्ष धारासभ्य पदे चूंटाया था महिपतसिंह जाडेजा। अग्रणी मौत थी क्षत्रिय समाज में शोक की लागण। हिम्मतनगर वीरपुर गाम की सीम में 1,49,00,000 विदेशी दारू पर फेरवायु बुलडोजर। 4 पोलिस स्टेशन 3 वर्ष विदेशी दारू नाश करायो। जिला अधिकारी और पोलिस की हाजरी में दारू नाश करायो। साबरकांठा में हिम्मतनगर में लोक दरबार योजायो। जिला पुलिस वड़ा और पीएसआई की हाजरी में योजायो लोक दरबार। साथे वधु लोकोए व्याजखोरोना त्रास की रजूआत करी। आणंद में व्याजखोरना त्रास की कंटाड़ी ने वेपारीए ट्रेन नीचे पड़तू मूक्यू। 57 वर्षीय सिकंदर मिया रेलवे स्टेशन पास पानी दुकान चलावता था। पुलिस अकस्मात गुनो नोधी तपास हाथ धरी। वडोदरा में पाड़ोश में रहता युवके विद्यार्थिनी करी छेड़ती। युवके बाद में गड़ू दबावानो पण कर्यो प्रयास। विद्यार्थिनीए सयाजीगंज पोलिस स्टेशन में नोंधावी फरियाद। अमदावाद में नकली नोट आपी सोनानी खरीदी करती टोळकी। क्राइम ब्रांचना सकंजा में मूल राजस्थान महेन्द्रसिंह राजपुरोहितनी करी धरपकड़। जेतपुरना नवागढ़ खुला में वरलीना आंटड़ा चालता होवानो वीडियो थयो वायरल। मोटी संख्या में जुगारीओ जुगार रमता नजरे पड़िया। सूरत में 7 લાખ की लूट नो भेद उकेलवामां क्राइम ब्रांच ने मिली सफलता। 4 आरोपी पुलिस सकंजा में। 4 લાખ की वधुनो मुद्दा माल जप्त। सुरेन्द्रनगर ध्रांगध्रा में ट्रक की चोरी सीसीटीवी में कैद। आरोपी पेट्रोल पंप सीसीटीवी में कैद थया। पुलिस शुरू करी तपास। अमदावाद में 57 લાખ रूपया की रिमोट चावी की चोरी भेद उकेलायो। पुलिस कंपनी 3 कर्मचारी सहित कुल 6 आरोपी की धरपकड़ कर 2 आरोपी ने वॉन्टेड जाहिर कराया। नवसारी चिखली में मोबाइल चोरी भेद उकेलायो। पुलिस 3 आरोपी की धरपकड़ कर कुल 27 લાખ रूपया मुद्दा माल जप्त करायो। अमदावाद एलसीबीए चोरी पर्दाफाश कर। भरूचना साणंदपुर की हत्यारी माता झड़पाई। दियर साथ आड़ा संबंध ने लई 13 वर्षीय पुत्र की करी हत्या। पति की हत्या करे ते पहला बन्ने प्रेम पंखेड़ा ने पुलिस कराया जेल हवाले। राजकोट पुलिस नकली नोटना केस में वधु एक आरोपी की तेलंगाणा की धरपकड़ की। पुलिस आरोपी ने कोर्ट में रजू कर 12 दिवस रिमांड मेळव्या। अत्यार सुधी में कुल 6 आरोपी की धरपकड़। सूरत गीतसी टोक
गुच्छी टोकना आरोपी की धरपकड़। टामेटा गैंग नो मुखिया सागरित अज्जू टामेटा वचगाड़ा जामीन लईने फरार थयो हतो। सूरत क्राइम ब्रांचे बातमी आधारे करी हती कार्यवाही। अमदावाद क्राइम ब्रांचे हथियार साथ एक आरोपी झड़पी पाड़ियो। रखियाल नागरवेल में गैरेज चलावता व्यक्ति की धरपकड़। आरोपी पास थी देशी तमंचो और कारतूस जप्त कराया। लीमड़ी अमदावाद नेशनल हाईवे पर गैरकायदेसर पेट्रोल डीजल ना जत्था साथ एक की धरपकड़। आरोपी वगर पास परमिटे करते तो पेट्रोल डीजल वेचाण। एलसीबी पुलिस आरोपी की धरपकड़ करी। महसणा में वीजा अपना बहाने आचराई छेतरपिंडी। वीजा नामे फरियादी पास थी पड़ाया 55 लाख रूपया। छेतरपिंडी थयानी जाण थता भोग बननारे नोंधावी फरियाद। छोटाउदेपुर में पानवाड़ गाम में जूनी अदालत में हत्या बनाव। आरोपी हाथ में पहरेला कड़ाती युवक ने मारता थयुं मौत। 6 वर्ष पूर्वे अकस्मात थता थयो हतो झगड़ो। अरवली में मालपुरना कृष्णपुराना पाटिया नजीक अकस्मात सर्जायो। श्वान ने बचावा जता कार पलटी। कार में सवार 5 लोग ने थी इजा। महिला ने गंभीर हालत में होस्पिटल खसेड़ाई। सूरत जिला कामरेज तालुका श्यामपुरा गामे अकस्मात में ट्रक चालक ने गंभीर इजा थी। ट्रक चालक की घटना स्थले ज मौत। दाहोद में महीसागर उद्योग केन्द्र में जनरल मैनेजरे कर्यो आपघात। अगम्य कारणोसर कर्यो आपघात। पुलिस घटनास्थले पहुंची कार्रवाई हाथ धरी। सूरत कड़ोदरा में प्रकाश इंडस्ट्रीयल एस्टेट में आग लागी। फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू। आग में कोई जानहानि नहीं। आग लागवानु कारण अकबंध। महसाणा कड़ी में शेफाली शॉपिंग सेंटर में आग। मोबाइल और स्टूडियो की दुकान में आग। आगनु कारण अकबर। गुजरातवासियों माटे राहतना समाचार। राज्यवासियों ने ठंडी में मळशे राहत। 24 कलाक बाद तापमान में थशे वधारो। अमदावाद में 13.4 डिग्री तापमान नोंधायुं। राज्य में 3 दिवस में लघुत्तम तापमान रहेशे यथावत। सौराष्ट्र राज्य में 3 दिवस में लघुत्तम तापमान रहेशे यथावत। सौराष्ट्र में 1 डिग्री तापमान वधवानी शक्यता। 24 कलाक दरमियान अमुक विस्तारों में ठंडी थई शके छे अनुभव। सूरत में फोरेन्सिक हेकथॉन नु उद्घाटन करायू। गृह राज्यमंत्री हरसंघवी उपस्थित रहा। हरसंघवीए कहू दरेक पुलिस स्टेशन में क्लस्टर बनावाशे। एफएसएल निष्णातों रहेशे पुलिस साथे। महसाणा सालडीना मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन। श्री पिंपड़ेश्वर दादा मंदिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजा। 1-5 फेब्रुआरी सुधी महायज्ञ आयोजन कराय। सोमनाथ ट्रस्ट तरफ लॉन्च कराई बिल्व पूजा। 21 रूपया भक्तों सोमनाथ महादेव की बिल्व पूजा अर्पण कर सकते। सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाइने नोधा शकाशे पूजा। डांगना दक्षिण वन विभाग में दीपड़ो पांजरेपुरायो। 5 दिवस पहला वाछड़ी कर्यो हतो शिकार। दीपड़ो पांजरेपुराता लोकोए राहत श्वास लीधो। डांगना गिरिमथक सापुतारा में देखायो दीपड़ो। सापुतारा घाट विस्तार में जोवा मळी दीपड़ा लटार। स्थानिकोए वन विभाग ने करी जाण। सूरत में ओलपाड़ गामडाना दीपड़ा खौफ। ग्रामजनोए वन विभाग ने करी जाण। हजी सुधी वन विभागे नहीं करी दीपड़ा की पुष्टि। डांग दरबारना मेळाना आयोजन अंगे जिला कलेक्टर धर्मेन्द्रसिंह जाडेजानी अध्यक्षता में बैठक योजाई। 2-6 मार्च सुधी मेळानुं आयोजन थवानी संभावना। अमदावाद में योजाया एक अनोखा लग्न। राणीप विस्तारना काउंसिल दशरथ पटेलना दीकराना लग्न जूनी परंपरा अनुसार योजाया। जाते शणगार करेला बड़दगाड़ा में बेसी वरराजा तोरणे पहोंच्या। सरकारना घासचाराना गोडाउन ठसोठस भराया। घासनी वीडीमांथी विना मूल्ये घासचारो वाढीने लई जवानी पशुपालकों गौशाला पांजरापोर ने छूट। राजकोट में जुनियर क्लार्क पेपर मुद्दे विरोध यथावत। इंदिरा सर्कल पास एनएसयूआईए नोंधाव्यो विरोध। पेपर फोड़ सरकार पुतळू लटकावीने कर्यो विरोध। तमाम नी करी अटकायत। पाटण में जुनियर क्लार्क परीक्षा मौकूफ मामले एनएसयूआई विरोध। नवजीवन 4 रस्ता ब्रिज पर सरकार पुतळा ने फांसी लगावीने विरोध करायो। एनएसयूआई प्रमुख सहित 20 कार्यकरों की पुलिस करी अटकायत। सरकारना घासचारा गोडाउन ठसोठस भराया। घासनी वीडीमांथी विना मूल्ये घासचारो वाढीने लई जवानी पशुपालकों गौशाला पांजरापोर ने छूट अपाई। वर्ष 2023-24 में आवकवेरा अंगे सौथी मोटी जाहेरात। व्यक्तिगत कर पर 7 लाख सुधी की आवक पर टैक्स की राहत। 9 लाख सुधी की आवक पर 45,000 टैक्स। टीवी मोबाइल कैमरा रमकड़ा साइकल बाइक और बायोगेस की वस्तु थे सस्ती। तो सामे विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी चाइनीज रमकड़ा सिगरेट और चांदी दागीना थे मोंगा।
बजेट में नाणा मंत्रीए सफाई कर्मचारियों ने आपी मोटी भेट, मशीनों थी कराशे सीवर की सफाई, योजनाओं माटे 10,000 करोड़ रूपया की बजेट की जोगवाई। नाणा मंत्रीए बजेट में पीएम आवास योजना खर्च 66% वधार्यो, तेमज 79,000 करोड़ की आवास माटे जोगवाई करवामां आवी, तो रेलवे माटे 2.40 लाख करोड़ फाड़वामां आव्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए बजेट ने आशानु बजेट गणाव्यु, तेमणे कह्युं के आ बजेट गरीब खेडूतो ने मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पूर्ण करशे, साथ ज मध्यम वर्ग ने टैक्स में अपाई छे मोटी राहत। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले देश अमृतकाल रोडमेपन बजेट गणाव्यु, वधुमां कह्युं के गरीब वंचित पीड़ित शोषित सहित मध्यम वर्गीय परिवारों हितों ने ध्यान में राखीने बजेट रजू कराय। बजेट पर कांग्रेसना सांसद शक्तिसिंह गोहिल की प्रतिक्रिया, कहूं कि लोगों की अपेक्षा प्रमाणे बजेट नहीं, बजेट में लोगों की आशाओं ठगारी निवाड़ी। केंद्र सरकार बजेट ने जामनगर ब्रास उद्योगकारों आवकार्यू, कहूं कि तमाम क्षेत्र में बैलेंस साथ वार्षिक बजेट रजू करायू, एमएसएमई सेक्टर में खास पैकेज ने लई उद्योगकारों में खुशी। केन्द्रीय बजेट में मछीमारों माटे 6,000 करोड़ विशेष पैकेज की कराई जाहरात, गुजरात मछीमारों बजेट ने आवकार्यू। बजेट में खेडूतों माटे थयेली जाहरात ने सूरत खेडूत आगेवान जयेश पटेले आवकारी, बजेट में सहकारी समिति 2,500 करोड़ की कराई जोगवाई, साथ ज गोबरधन योजना में 10,000 करोड़ की जोगवाई। राजकोट में बजेट ने खेडूतों मिश्र प्रतिसाद, लोन अंगे की जोगवाई ने लई खेडूत आगेवानोए स्वीकारी, पाक वेचाण समय कायदो थाय तेवी कोई जोगवाई न थता खेडूतो नाराज। बजेट ने लईने गीर सोमनाथ खेडूतों में खुशी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना ने आवकारदायक गणावी, साथ ज कपास में पीपीपी योजना अने एक वर्ष सुधीनी व्याज माफी योग्य गणावी। केन्द्रीय बजेट ने गुजरात चेम्बर्स ऑफ कॉमर्से आवकार्यू, चेम्बर प्रमुख पथिक पटवारी निवेदन, कहूं कि अमृतकाल प्रथम बजेट आत्मनिर्भर भारत विजन सार्थक थशे। बजेट ने राजकोट चेम्बर्स ऑफ कॉमर्से आवकार्यू, एमएसएमई सेक्टर पर बजेट में खासू ध्यान अपाता उद्योगकारों खुश, तो बीजी तरफ सोना चांदी में इम्पोर्ट ड्यूटी में वधारो थता ज्वेलर्स सेक्टर नाखुश। बजेट ने लईने शेर बजारना एक्सपर्ट करण झवेरी नुं निवेदन, कह्युं के बजेट लांबा गाळा माटे फायदाकारक, महिलाओं अने मध्यम वर्ग ने थशे फायदो। नवा केन्द्रीय बजेट ने राजकोटना बैंक कर्मचारीओए आवकार्यू, कह्युं इन्कमटेक्स स्लेब में थयेला फेरफारथी थशे फायदो, नवा बजेट थी कर्मचारीओ ने थशे लाभ। जम्मू कश्मीरना पूंछमां हिमवर्षा बाद मुगल रोड बंद, तो बीजी तरफ बद्रीनाथमां बरफनी चादर छवाई, शिमलामां पण हिमवर्षाना कारणे ठंडी में वधारो थयो। जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में भारे हिमवर्षा, मकानों की रस्ता पर चार तरफ बर्फ की चादर छवाई, तापमान पारो गगड़ता ठंडी में वधारो। जम्मू कश्मीर डोडा में भारे हिमवर्षा, भद्रवाह घाटी बर्फ की ढंकाई, वीजड़ी गुल थता लोग परेशान। श्रीनगर लालचौक विस्तार में मोड़ी रात की हिमवर्षा शुरू थी, घनी जगह 2-3 इंच बर्फ पड़ो, वाहनों पर जाम्यो बर्फ। जम्मू काश्मीर पूंछ में हिमवर्षा, लोगों ने घनी मुश्किलों पड़ी रही है, घना विस्तारों में 2-3 फूट बरफ जामियों, लोग ठंडी थी ध्रुजिया। जम्मू काश्मीर रामबन में वरसाद बाद पर्वतों पर पड़िया पत्थर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्थरों पड़ता रस्तों बंद करायो, वाहन चालकों ने पड़ी हालाकी। जम्मू काश्मीर रामबन में भारी हिमवर्षा वच्चे 3 प्रवासी फसाया, पुलिस 3 प्रवासी ने बचाव्या, हाईवे पर बरफ हटावा काम चालू। हिमाचल प्रदेश किन्नौर में सतत 2 दिवस हिमवर्षा, अनेक रोड रस्ताओ बंद थे, रस्ता पर जामेलो बरफ हटावा कामगिरी शुरू। हिमाचल प्रदेश शिमला में बरफ की चादर छवाई, मैदानों में बरफ थर जामिया, बरफ कारण घाटी पर सफेद थी। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में भारी हिमवर्षा, मंदिर परिसर में छवाई बरफ की चादर, हिमवर्षा कारण वधी ठंडी। उत्तराखंड चमोली में हिमवर्षा की वधी समस्या, रस्ता पर बरफ ना थर जामी जता जोशीमठ औवली तथा चमोली कुंड हाईवे बंद थयो। उत्तराखंड उत्तरकाशी में भारी हिमवर्षा, रस्ता पर बरफ की चादर छवाता गंगोत्री हाईवे तथा 7 लिंक मार्ग बंद कराया, बीआरओ की टीमें मशीन वड़े बरफ हटावा की कामगिरी शुरू करी। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में हिमवर्षा थी वेपारी खुश थया, मोटी संख्या में प्रवासी आता थया खुश, लोग हिमवर्षा की मजा माणता जवा मळ्या।
उत्तराखंड पर्वतों पर हिमवर्षाए वधारी लोगों की समस्या। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारे हिमवर्षा। औवली और चोपटा में स्नोफॉल थता प्रवासी उमटिया। उत्तराखंड पर्वतों पर हिमवर्षा यथावत। जोशीमठ में हिमवर्षा वच्चे प्रवासी करी स्कीइंग। हिमवर्षा माणवा उमटी रहा है प्रवासी। बुलेटिन में हाल बस आटलू ज। तमाम महत्वपूर्ण समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।